बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने दुनिया के अंदर हमेशा हर शोबे के अंदर अपना नाम बनाया है और पूरी दुनिया ही पाकिस्तान के पीछे पड़ी है, खासकर दजाली फितनों वाले यानी कि अमेरिका और रूस और दजालियों के हामी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ रहने के बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे हीरे जवाहरात और मोती पैदा किए हैं कि जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कि जिनमें से आज हम एक हीरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक डॉक्टर जान आलम, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बना ली है और उनकी दवा इस्तेमाल करने के बाद मरीज 7 से 10 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, ग्लोबल टीवी प्रो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। डॉक्टर जान आलम का कहना है कि मेरे पास कोरोना वायरस का इलाज मौजूद है। इनका कहना है कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे कोरोना वायरस 7 से 10 दिन तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। जान आलम का कहना था कि ये दवाई लिक्विड ड्रॉप्स की सूरत में है। कोरोना वायरस के बाद सबसे पहले मरीज को फ्लू होता है, जिसके बाद कोरोना वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना घर बना लेता है। ताम जो दवाई मैंने बनाई है इससे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। और जान आलम का मजीद ये भी कहना था कि ड्रॉप्स को नाक के दोनों तरफ 4-4 कतरे डाले जाते हैं तो फ्लो 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है और साथ ही साथ कोरोना वायरस को भी मात दे जा सकती है। इनका कहना था कि कोरोना फेफड़ों पर भी हमला करता है और नाली में जम जाता है, जिसके बाद सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। इसके लिए मेरी बनाई गई दवाई डालकर अगर इसकी भाप ली जाए तो ये सांस की नाली को भी खोल देगा। भाप हर घंटे के बाद लेना होगी। 10 दिनों के अंदर मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जान आलम का ये कहना था कि मैं चाहता था दुनिया के किसी और मुल्क में जा सकता था और अरबों रुपये कमा सकता था, ताम मैंने अपनी मुल्क की खिदमत करने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता भी कर रहा हूँ। और जान आलम ने यह कहा है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस दवाई को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करे, पूरी दुनिया पाकिस्तान को याद रखे और इसको सराहती रहे। इनका कहना था कि ये दवाई किसी फार्मा कंपनी के जरिए तैयार नहीं की गई है और ना ही की जाएगी, बल्कि मैं इसको अपनी लेबॉरेटरी में खुद तैयार करूँगा और मैंने अपनी छोटी सी लैब बना रखी है और मैंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम दुआ करते हैं कि डॉक्टर जान आलम अपने इस खुशआइन मंसूबे के अंदर कामयाब हों और वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और अपना नाम रोशन करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।